हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये देखो लगाया चश्मा और देखिए कैसा लग रहा है मेरा चश्मा और कैसी लग रही हूँ मैं, क्योंकि टोपी मैंने चेंज नहीं की है। बस सब वही है, जो टोपी पहले थी वही मैं ओढ़ लेती हूँ। लेकिन चश्मे में मस्त लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ आप लोग बताओ, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ नहीं समझ में ना रहा क्या बनाऊँ, तो समझ में कुछ मेरे ये आया कि ये बनाऊँ। तो ये है मेरा बेसन, और जब कुछ ना मिले तो बेसन की सब्ज़ी सबसे अच्छी बेस्ट होती है। बेसन की सब्ज़ी और उसने खाना तो वो खाएगा। ये चीला चीला बनाने की तैयार हुई है। हरी मिर्च का, हरी मिर्च नहीं, ये लाल मिर्ची है, और ये है टमाटर, और ये है प्याज। तो चलो बनाते हैं खाना। और चश्मा मैं इसलिए लगा रही थी क्योंकि मेरे को चश्मा ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं लगा लेती, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े बड़े लोग हैं वही थोड़ी लगा सकते हैं, हम किसी से कम है क्या। तो हम भी बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हमने ये चश्मा लगा लिया है। तो मज़ा आ गया ठंड में, क्योंकि ठंड में क्या चलो मजाक होता है, मजाक तो चलता ही रहता है। और जब हम यूट्यूबर्स हैं तो हम कुछ ना कुछ तो नया करेंगे ही, तो नया ये किया है। देखो हार नहीं माननी है, वीडियोस मेरी नहीं चलती है मुझे पता है, लेकिन मैं कोशिश डेली करती हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ ना कुछ डालना होता है, कुछ ना कुछ अपनी यादें। तो चलो यूट्यूब चले ना चले वो बाद की बातें हैं, लेकिन कम से कम अपनी जो यादें हैं वो हम पिरो के रख सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, क्योंकि अपनी यादें जो होती है सदा दे इस टाइप के तो हम रहेंगे नहीं, धीरे धीरे करके बुढ़ापा ही आएगा, ठीक है। जैसे पहले थे उससे चेंज आता ही रहता है, तो इसलिए ये एक अच्छा बेनिफिट मिल गया हमें कि हम यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालते हैं, और ये हमारी वीडियोस जैसे हम बड़े होंगे बच्चे देखेंगे, और बड़े होंगे हम खुद देखेंगे हम पहले कैसे थे कैसे रहते थे। तो इसलिए वीडियो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, ठीक है। तो ये आ गया शत्रुघ्न सिन्हा घुस गया मेरे में, बता दें यार बता दें। हाँ हाँ बता, क्यों नहीं दिखाऊँ, क्यों है ये लड़की। अच्छा क्या जाता है जब उसको भूख पेट खाली हो, तो इसलिए मेरे व्लॉग में ये आ नहीं रही है कोई भी। तो एक बेटा वही आता है, ये लड़की मेरी आ नहीं रही है क्योंकि उसको लगी है भूख, तो भूख लगी है। उसने क्या खाना मुझे नहीं पता, वो खुद बताएगी उसने क्या खाना है। तो शुरू हो गई हमारी क्या कुकिंग। तो ये देखो आलसी इतनी है, ये जार धोया भी नहीं है कम से कम, इतनी आलसी है देखो जार धोया नहीं है। जिसमें हमने पेस्ट बनाया था उसी में ये मतलब चटनी बना रहे हैं। हरी मिर्च ली है, नारियल है इसमें, नारियल का बुरादा जो होता है नारियल का, और नारियल वो है, और इसमें थोड़ा सा लहसुन वगैरह डाल दें, नमक जो भी होता है चटनी बनाने में जो काम आते वही है। और इसके बाद हमने चीले की ली, क्योंकि भाई जब नखरे होते हैं ना खाने के, रोटी नहीं खानी तो इस प्रकार की डिश बनानी होती है ना। तो इसमें डाल देंगे फटाफट ये चीज़ें। ठंड में देखो सब्जी भी बननी बन रही है, ऑर्डर है भाई, माँ बाप के काम है तो करने पड़ेंगे, और धमकी और मिल जाएगी क्या। अरे जल्दी बताओ, चलो करो करो जल्दी, करना तो है ही, चल चला ले मशीन चला ले। जाएगी प्याज नहीं लाल मिर्ची जो तीखी कम होते हैं बीज इसके निकाल लिए ना, और ये है इसमें प्याज जो बारीक काटी हुई है, और उसके बाद ये है टमाटर। तो देखिए अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ना अजवाइन, ओ सॉरी अजवाइन भी डाले इसमें, ये कर लिया मिक्स, इसमें थोड़ी अजवाइन, ये देखो। और इसको घोल, मेरा उबल चुका है, इसमें है ना मैं डालूँगी ये बिना तेल घी वाले पकौड़े, मैं भी बना के तैयार करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो मसाले वाला पानी अच्छे से उबल चुका है, देखिए ये मसाला नमक मिर्च और थोड़ा सा मैंने मीट मसाला डाला इसमें, और ये उबल चुका है। और इसके उबलते हुए इसमें दोस्तों ये घोला हुआ है, ये देखो बेसन एक अच्छा सा, और अब क्या करूँगी, अब इसमें धीरे धीरे करके ये थोड़ा थोड़ा बेसन लूँगी और इसमें ये डाल दूँगी, तो ये पकौड़े बन के रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ये बिना तेल घी वाले पकोड़े, आप चाहे तो इसमें ना, और बेसन जो घोल बनाया मैंने इसमें आप प्याज भी डाल सकते हो, हरी मिर्च भी डाल सकते हो, और इस प्रकार ये बिना तेल वाले जो डाइट वाले हैं जो हेल्दी खाना पसंद करते हैं, और तो वो इस प्रकार के ये पकोड़े खा सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये बिना तेल और घी वाले हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये बिना तेल घी के हैं, और बहुत ईजी तरीके से बन जाते हैं,
और खाने में टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये गांव की डिश है, गांव में इसको बनाया जाता है। और इसको आप बिना टमाटर के कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ मसाला ही है, और इससे रोटी खाओ बहुत टेस्टी रोटी लगती है। चाहे तो इसके पकोड़े खा के ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बन गया है स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। इसको तो हम थोड़ा भगवान का भोग लगाते हैं। दोस्तों अब मैं बना देती हूँ इनके लिए डिनर। डिनर में मतलब मैंने सब्जी वब्जी सब बना दिया, मैं रोटी बना लेती हूँ। तो लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छा ही लेके आऊँगी। और काम करते करते ही आप लोगों को एक ब्लॉग बना के दिखाऊँगी, क्योंकि मेहनत करना अच्छी बात है और मेहनत मैं कर ही रही हूँ। और इसके साथ साथ रोटी अभी अच्छी बन जाती हैं बात करते करते, और टाइम बीत जाता अच्छे से। तो देखो रोटियाँ भी अच्छी और फुली फुली सी भी बन जाती है। चलो दोस्तों ये तो चलता ही रहेगा, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छा सा आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। बाय, अपना ध्यान रखे और यूँ ही मिलते रहेंगे।